राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे के तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी। वर्ष में 2 बार यह अभियान चलाया जाता है। हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि 10 अगस्त को यह अभियान समस्त सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा। छूटे हुए बच्चों को 17 अगस्त को दवा खिलाई जाएगी। नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को कीड़े की दवाई खिलाई जाती है। ये वर्ष में 2 बार खिलाई जाती है और ये अभी अभियान 10 अगस्त को हमारा अभियान होगा, जो प्रत्येक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पर संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार जो बच्चे 10 अगस्त को छूट जाएंगे, उन्हें 17 अगस्त को हम लोग 1 गोली एल्पेंडाजोल भी खिलाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो है 6,39,819 टोटल बच्चे हैं, जो स्कूलों प्लस आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलाकर हैं। पिछली बार जो पिछला अभियान हमारा जनवरी में हुआ था, उसमें हमने 5,76,617 बच्चों को यानी कि 90% बच्चों को दवाई खिलाई थी। तो हमारा टारगेट 6,39,819 ये प्रत्येक स्कूल, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, उन सब में खिलाई जाएगी, प्लस जो आंगनवाड़ी केंद्र है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर भी 6 साल तक के बच्चे हमारे रहते हैं, तो वहाँ भी खिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़ डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी के अनुसार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत ये अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष 6,39,819 छात्रों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछली बार 5,76,617 बच्चों को दवा खिलाई गई थी।